केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बात पक्की है कि अरविंद केजरीवाल ने मन से मान लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कोई भी व्यक्ति तभी इस्तीफा देता है जब उसे अपराध बोध होता है। उन्हें पता है कि भ्रष्टाचारी साबित होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार होने पर नैतिकता याद नहीं आई। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने मान लिया है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इस कारण इस्तीफे की बात कही। चौधरी साहब का तो नहीं पता होगा वो क्या सोचते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि केजरीवाल साहब ने अब ये अपने मन से भी मान लिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आदमी रिजाइन तभी करता है जब गिल्टी कॉन्शियस होता है, तो केजरीवाल साहब को ये समझ में आ गया 6 महीने जेल में रह करके कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ के कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उस पर कोर्ट ने ठीक से कॉग्निजेंस लिया है और वो भ्रष्टाचारी प्रूव होने वाले हैं, इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने रिजाइन किया। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो अरेस्ट होता है मुख्यमंत्री के रूप में और वो तब उनको मॉरालिटी ध्यान नहीं आती है, तब उनको ये समझ में नहीं आता कि कानून के लंबे हाथ होते हैं और देश में कानून का राज है। मेरे को ये साफ साफ समझ में आता है कि अभी भी रिजाइन नहीं किया है, अभी भी 2 दिन का टाइम मांगा है, पता नहीं किस बात के लिए मांगा है, 2 दिन में क्या करेंगे। और हो सकता है कि ये चेक कर रहे हो कि इनकी अपनी पार्टी में बगावत तो नहीं हो जाएगी। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने ये मान लिया कि ये भ्रष्टाचारी है, इस कारण से इन्होंने रिजाइन किया।